जी ये सभी लोग मिलकर आए, माने बहन जी का जो तोहफा है सोने का मुकुट देकर उनका स्वागत करें, माने बहन जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहन कुमारी भाई की जिंदाबाद, बहन कुमारी भाई की जिंदाबाद। डीएसपी की क्या पहचान, डीएसपी की क्या पहचान। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप आगे बढ़ो। बहन कुमारी भाई की जिंदाबाद। डीएसपी की क्या पहचान। सर समाज के सम्मान में मैं अपनी नेता, हम सबकी नेता बहन जी से गुजारिश के साथ, और हमारे बीच में जो करतार सिंह नागर जी माननीय बहन जी कुछ सप्रेम भेंट करना चाहते हैं। करतार सिंह नागर जी बहन जी, माननीय बहन जी, ये करतार सिंह नागर जी भाई, माननीय करतार सिंह नागर जी यहाँ सप्रेम भेंट देना चाहते हैं दोनों। हमारे बीच में हम अपनी नेता बहन जी से अदब के साथ गुजारिश करते हैं, इस जन सैलाब को संबोधित करने का कष्ट करें माननीय बहन जी। बहन कुमारी मायती जिंदाबाद। माननीय बहन जी डीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में वे यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि हमने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट से इस बार श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी को चुनाव के मैदान में उतारा है। आप लोगों को ये लगता होगा, खासतौर से गुर्जर समाज को, इस क्षेत्र के गुर्जर समाज को ये लगता होगा कि बहुजन समाज पार्टी ज्यादातर यहाँ इस सीट से गुर्जर समाज को लोकसभा के लिए चुनाव लड़ाती रही है, लेकिन इस बार गुर्जर समाज को टिकट ना देकर बहुजन समाज पार्टी ने क्षत्रिय समाज से श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया है। लेकिन ऐसा हमें क्यों करना पड़ा है? ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा है कि यहाँ पर हमने पिछले कई चुनावों में, पिछले कई लोकसभा के आम चुनावों में हमने गुर्जर समाज को टिकट दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टी से
दूसरी पार्टी से भी गुजर खड़ा हो जाने के कारण फिर गुजर समाज का वोट पिछले कई चुनावों में बढ़ता रहा और जिसका फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फायदा उठाया है और भारतीय जनता पार्टी फिर यहां से लगातार कई बार चुनाव जीतती रही है। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीतने से रोकने के लिए तो गुर्जर समाज को खड़ा ना करके हमें अन्य किसी और समाज को, क्योंकि यहाँ पर क्षत्रिय समाज की काफी ज्यादा तादाद है, तो क्षत्रिय समाज को खड़ा करने का फैसला लिया और इस समाज का अन्य किसी भी पार्टी से कोई उम्मीदवार चुनाव के मैदान में नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि गुर्जर समाज के लोगों को ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने इनकी उपेक्षा की है। हमने यदि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट से जब हमने यहाँ से गुर्जर समाज को चुनाव में नहीं खड़ा किया है तो हमने गुर्जर समाज के व्यक्ति को इस सीट के स्थान पर, आपके नजदीकी बागपत लोकसभा की सीट है तो बागपत लोकसभा की सीट से हमने गुर्जर समाज को टिकट दिया है। इसलिए मैं आपको ये बता रही थी कि बहुजन समाज पार्टी ने टिकट बंटवारे के मामले में तो सब समाज के लोगों को पूरी पूरी भागीदारी दी है। आपके बुलंदशहर लोकसभा की सीट जो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट से एकदम लगी हुई है, तो इस सीट से हमने अपनी पार्टी के सिटिंग एमपी श्री गिरीश चंद्र जाटव को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो लंबे अरसे से बहुजन समाज पार्टी की सेवा में लगे रहे हैं। मुरादाबाद मंडल में इन्होंने उधर काफी काम किया है बहुजन समाज को बीएसपी में जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों की दिली तमन्ना थी, बुलंदशहर लोकसभा के क्षेत्र के लोगों की दिली तमन्ना थी कि यहाँ पर किसी मजबूत आदमी को इस बार चुनाव के मैदान में उतारा जाए। इसलिए हमने इनको नगीना लोकसभा की सीट से न खड़ा करके आपके बुलंदशहर लोकसभा की सीट से इनको चुनाव के मैदान में उतारा है। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा के आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार
यह पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवा हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी इन्होंने लगभग इसका एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बोन की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है, और खासकर आपके गौतम बुद्ध नगर में जिले में व बुलंदशहर जिले में, तो जहां डेवलपमेंट के नाम पर विकास के नाम पर तो किसानों की ओने पौने दाम में जमीन ले ली जाती है लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर हमारे किसान भाई आए दिन आंदोलित रहते हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में जब जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर गौतम बुद्ध नगर जिले में और बुलंदशहर में हमने किसानों को जो भी डेवलपमेंट के नाम पर सरकार ने जमीन ली तो हमने किसानों को उचित उनकी जमीन का मुआवजा दिया है। जबकि यूपी में चार बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने किसानों के हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी इनकी जातिवादी, हीन सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है, विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और समाजवादी पार्टी की जब यहाँ यूपी में सरकार रही तो इसको बिल्कुल ही उन्होंने खत्म कर दिया था, साथ ही केंद्र व राज्यों में भी
विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेतु आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सा हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी यह पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक अजमा भी चुके हैं, ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हैं। ये सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके तो केंद्र की सत्ता में आने की पूरी पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं, और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में
अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह यहाँ केवल हवा हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में आप लोगों को वैसे ये मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी चौथी बार, तो आपका ये जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर पूरा आज